हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप एवरीबडी यू आर फाइन। माय डियर फ्रेंड, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी। नाउ लुक हियर, दीज आर द कंटेंट ऑफ योर सेवेंथ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी। ये जो है कंटेंट पेज है आपके सेवेंथ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का। पहला आपका जो चैप्टर है इसका नाम है हाउ सीजंस अकर पार्ट वन। ओके, हाउ सीजंस अकर पार्ट वन। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ कैसे रोटेट होती है ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करेंगे। और उसके बाद चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो सनराइज और सनसेट होता है उसका लोकेशन कैसे चेंज होते हैं, ये जो सारी बातें हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी हाउ सीजंस अकर पार्ट वन इसमें देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है द सन, द मून एंड द अर्थ। देखो, द सन, द मून एंड द अर्थ, ये जो सेकेंड चैप्टर है, इस सेकेंड चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, फेजेस ऑफ मून, अलग अलग फेजेस होती है मून की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सोलर, उसके बाद सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो होता है, आपको पता है इक्लिप्सेस, तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्सेस इनके बारे में हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद हम ये सारी बातें, मतलब जैसे सन, द मून एंड द अर्थ ये देखेंगे। जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है टाइड्स, ये टाइड में जैसे कि हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड क्या होती है, लो टाइड क्या होती है, साइकिल ऑफ टाइड क्या होती है, उसके बाद साइंस बिहाइंड द टाइड, टाइड जो टाइड होती है उस टाइड के पीछे जो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसका बाद फोर्थ चैप्टर है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर ये चैप्टर हमारे लिए फैमिलियर है क्योंकि हमारी जो सिक्स स्टैंडर्ड की प्रीवियस बुक थी उसमें भी एयर प्रेशर था, उसमें भी हमने देखा है। तो इसमें हम देखेंगे प्रेशर ऑफ एयर, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एयर और उसके बाद इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, कुछ ऐसे टॉपिक से कुछ पॉइंट्स है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में एयर प्रेशर में कवर करेंगे। और विंड जो है पांचवा स्टर्म का, इस फर्स्ट टर्म का जो पहला पांचवा है आखिर जो चैप्टर है विंड, इसको हम देखेंगे जनरेशन ऑफ विंड, विंड कैसे जनरेट कैसी होती है ये देखेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड कैसे है, कितनी होती है वो देखेंगे। और टाइप्स ऑफ विंड, ये जो सारी बातें टाइप्स ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड और जनरेशन ऑफ विंड, ये बातें हम इस पर्टिकुलर विंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें आपको पहला अभी आपको क्या करना है, जो हाउ सीजंस अकर पार्ट वन ये चैप्टर आपको ओपन करना है और रीड करना है केयरफुली से, और आपके पेरेंट्स के सामने रीड करो। अगले वीडियो में हम ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।